ईडीएमसी में तमाम समितियों के भरे गए नामांकन, सेक्रेटरी ऑफिस में जमा किए गए फॉर्म, 21 को सौंपी जाएंगी जिम्मेदारियां। ईडीएमसी स्कूलों में 40,000 के लगभग हुए छात्रों की संख्या, दोनों जोनों के 15-15 स्कूलों को किया जाएगा मॉडर्न, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया ऐलान। गांधीनगर मार्केट में लगातार हो रही चोरियों से दुकानदारों में डर, दुकानदार जल्द मिलने वाले हैं पुलिस अधिकारियों से, एक महीने में लगभग 6 चोरी हो चुकी हैं। एक अक्टूबर से विधायक अनिल वाजपेयी बैठ सकते हैं धरने पर, जल्द अतिक्रमण जाम की समस्या को किया जाए गांधीनगर में दूर, एलजी निगम पीडब्ल्यूडी और ट्रैफिक के आला अधिकारियों से कर चुके हैं शिकायत। और मानसरोवर पार्क में टूटी सड़कों की वजह से हादसे होने का खतरा बढ़ा, बरसात के मौसम में सड़कों में भर जाता है पानी, मेट्रो स्टेशन के पास नहीं है लाइट्स, अंधेरे का अपराधी उठा रहे हैं फायदा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। ईस्ट एमसीडी में तमाम समितियों के आज नामांकन हुए, इस मौके पर नेता सदन सत्यपाल सिंह मौजूद रहे और उन्होंने सेक्रेटरी ऑफिस में फॉर्म को जमा करवाया है। 3 समितियों के उम्मीदवार रिपीट हुए हैं, 1 समिति में नामांकन नहीं हुआ है। 21 सितंबर को इन सभी की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में जो हमारी कमेटियां हैं उनके लिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के नाम संगठन ने तय कर दिए हैं, जिनमें से विशेष जो मेन कमेटियां हैं, जैसे आपका हेल्थ है, हेल्थ के लिए प्रमोद गुप्ता जी का नाम आया है, और डैम्स के लिए रोमेश गुप्ता जी का नाम है, उद्यान के लिए नीतू त्रिपाठी का नाम है, और निर्माण समिति के लिए गोविंद जी का नाम है, लाइसेंसिंग के लिए अतुल जी का नाम है, समुदाय सेवा के लिए बहन हमारी इंदिरा झा जी का नाम है, और आचार संहिता पार्षदों के लिए सुमनलता नागर जी हैं, ऐसे ही एक प्रमुख नाम हैं। और एक कमेटी अभी हमारी होल्ड पर है, वो 1-2 दिन में तय हो जाएगी, आरपी सेल। इस बार हमने आरपी सेल को नई कमेटी का तय किया है, तो उसके लिए अभी नाम डिसाइड होगा। ईस्ट एमसीडी के स्कूलों में अब धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, लगभग 40,000 के आसपास बच्चों का नाम स्कूलों में लिखा है। ईस्ट एमसीडी शिक्षा में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, दोनों जोन शाहदरा साउथ जोन और नॉर्थ जोन के 15-15 स्कूलों को मॉडर्न बनाया जा रहा है। फंड की कमी के चलते धीरे धीरे ये काम किया जा रहा है, आगे चलकर और भी स्कूलों में बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। एजुकेशन कमेटी के नए अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन बातों को कहा है। जितने भी एमसीडी के स्कूल हैं उन सभी स्कूलों को मॉडर्न स्कूल के रूप में तैयार कर रहे हैं, जिसको हम फेज मैनर में उसको हम करेंगे। पहली बार हम 30 स्कूलों को सेलेक्ट कर रहे हैं, 15 सादरा साउथ जोन से और 15 सादरा नॉर्थ जोन से। तो उन 30 स्कूलों में वो सारी सुविधाएं होंगी जो एक प्राइवेट स्कूल में है। एक हिंदुस्तान के सभी प्राइवेट स्कूलों से हम अपने नगर निगम के स्कूलों को कंपैरिजन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स से लेकर के और एजुकेशन के सभी इक्विपमेंट्स वहाँ अवेलेबल होंगे। हमारे पास एक डाटा आया है एमसीडी से कि एक साल में, बहुत बड़ा एक डाटा हम कह सकते हैं इसको, एक साल में लगभग 40,000 बच्चे हमारे इस साल प्लस हुए हैं एमसीडी के स्कूल में। और ये एक तरह से मैं कहूँ कि दिल्ली सरकार का फेलियर भी है कि वो अपने स्कूलों से, अगर वो नहीं रख पा रहे हैं बच्चों को और उनके स्कूलों से बच्चे या प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकल कर नगर निगम के स्कूलों में आ रहे हैं, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूर्व दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, गांधीनगर मार्केट में एक महीने में लगभग 6 दुकानों में चोरियां हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी डर बैठ गया है। मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष के बल्ली ने बताया कि एक महीने में करीब 5 से 6 दुकानों में चोरी हो चुकी है, जिसकी वजह से दुकानदार डर गए हैं। उन्होंने कहा कि वह इसको लेकर पुलिस अधिकारियों से मिलने वाले हैं। पिछले 2 महीने में मार्केट में 7 चोरियाँ हुई हैं, और ऐसा लगता है कि कोई गिरोह सक्रिय है, और जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तो चोरी की वारदात नहीं रुकेंगी। और काफ़ी समय से हमने अपने गांधीनगर पुलिस स्टेशन में
इस बात को रखा है कि ये चोरियों को जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है सर्दी का, खासकर सर्दियों में अक्सर देखा गया है कि पिछले सालों में भी जब सर्दी बढ़ती है तो सुबह के टाइम में चोरियां बहुत होती हैं। देखिए, पुलिस पेट्रोलिंग होती है, गार्ड भी सब जगह मुस्तैद हैं, लेकिन क्या है कि बहुत बड़ा मार्केट है और गलियों में कोई ना कोई रास्ता बना के चोर जो है अक्सर उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। जो चोरियां हुई हैं उसमें अधिकांश चोरियां वो हैं कि जो छत के रास्ते से आए हैं। गांधीनगर में जाम और अतिक्रमण की समस्या से लोग काफ़ी परेशान हैं। लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। इलाके के विधायक अनिल वाजपेयी का कहना है कि अगर 1 अक्टूबर तक जाम की समस्या को खत्म नहीं किया गया तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह इसको लेकर LG को, ट्रैफिक के आला अधिकारियों को, निगम को और PWD को कई बार बोल चुके हैं। गांधीनगर मार्केट में जाम और अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि 11 बजे से लेकर और रात को 8 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग पर बैन होना चाहिए। बड़ी कमर्शियल गाड़ियां नहीं आनी चाहिए। आज भी गाड़ियां आ रही हैं और अब तो अभी कुछ दिन पहले सारे अखबारों में भी आया है कि जो मार्केट चिन्हित की गई हैं उसमें टाइम फिक्स कर दिया गया है। और हमने कहा हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है आप उसको इम्प्लीमेंट करा दीजिए। और आज भी हमारी ये मांग है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है जाम के लिए इसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। अगर 1 अक्टूबर तक यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग और हाई कोर्ट के ऑर्डर और माननीय LG साहब के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो मैं आप ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं महावीर स्वामी पार्क पर धरने पर बैठूंगा, ये मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ। मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन के पास के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं, जहाँ पर सड़कें खराब होने की वजह से आए दिन कोई ना कोई हादसा होने की आशंका बनी रहती है। वहीं बरसात के मौसम में खराब और टूटी सड़कों में जलभराव हो जाता है जिससे लोगों को आने जाने में तमाम परेशानियां होती हैं। ये अगर बात करें लाइट्स की तो यहाँ पर लाइट्स ना जलने के वजह से अंधेरे में झपटमारी की समस्या आम सी हो गई है। इस मामले पर कई बार शिकायत की गई लेकिन प्रशासन ने इस मामले पर कोई सुध नहीं ली है। सड़कों की हालत मैडम दो साल से तो इतनी बुरी हो गई है, इतनी टूटी फूटी सड़कें हैं कि कई बार रिक्शे पलट जाते हैं, सवारियों को भी चोट लग जाती है, हमारी गाड़ियों में भी नुकसान होता है। रात के टाइम पे तो पानी इतना भर जाता है कि पैदल तो इंसान चल ही नहीं सकता, इतना बुरा हाल हो जाता है। कोई सुनवाई नहीं है मैडम, सबको बोल के देख लिया। समस्या यही है जी, बारिश के टाइम पे यहाँ पे पानी भर जाता है, ना लोग पैदल निकल सकते ना ही रिक्शे, सब एक दूसरे को बस छींटे मारते हुए चलते, पानी देख लो इतना भरा पड़ा है यहाँ पे। और आगे थोड़ी दूर जाके सारे रोड टूटा पड़ा है, गाड़ियाँ भी पलट जाती हैं यहाँ पे। अब देख लो यहाँ पे अंधेरा ही है इस टाइम, इसलिए लाइट जलनी चाहिए यहाँ पे। लाइट जो है ये सब लाइट खराब है, ये भी लाइट खराब है, आगे वाला भी खराब है। रात में बहुत दिक्कत होता है। कल रात को तो बारात वाला का लाइट है वो बंद कर दिया था तो पूरा अंधेरा हो गया था। चैनों भी मोबाइल पर छीनने का डर रहता है ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ रहे इंक्रोचमेंट को लेकर MCD को फटकार लगाई थी। इसी को देखते हुए ईस्ट MCD इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चला रहा है जो पूर्व दिल्ली के 30 वार्डों में चल रही है। इलाके को साफ करने के लिए इंस्पेक्टर और SI को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वहीं निगम का कहना है कि हमारी जिम्मेदारी के साथ पुलिस की जिम्मेदारी भी बनती है कि इंक्रोचमेंट पर रोक लगाए। केजरीवाल कहते हैं कि गरीब लोगों के TA नहीं हटाए जाएंगे तो फिर इससे भी इंक्रोचमेंट को हटाना मुश्किल पड़ सकता है। साल के 12 महीने हम अतिक्रमण हटाने में लगातार कोशिश करते हैं, उसमें पुलिस की बड़ी भूमिका है। अगर हमने अभी अतिक्रमण हटा दिया और वो दोबारा वहीं लगा देते हैं, इसलिए अब पुलिस के साथ मिलकर के सब ने तय किया, हमारे स्टाफ है लाइसेंसिंग वाला, उसकी भूमिका असाइन कर दी कि अगर इस रोड पर, इस जगह पर, इस वार्ड पर अतिक्रमण होगा तेरी जिम्मेदारी होगी। ड्राइव दोनों साउथ और नॉर्थ जोन में चालू हो गई है। 2017 में भिंडी कमेटी के चुनाव करा के देते थे, 4 साल से वो फाइल लगातार दिल्ली गवर्नमेंट में धूल फांक रही है। सुप्रीम कोर्ट का डंडा हमारे ऊपर है कि आप किसी की रोजी रोटी को छीनेंगे नहीं। हमारी बड़ी विकट समस्या है, अगर भिंडी कमेटी के अनुसार आपने सर्वे करा दिया, सर्वे करने के बाद उनको जगह अलॉट कर दो, पर्टिकुलर एक जगह पर वो रहेंगे, सिमेट्री रहेगी, दिल्ली का नक्शा भी साफ रहेगा। यहाँ का इंक्रोचमेंट हटा दिया, थोड़ी देर बाद वो दिल्ली पुलिस को हमें लेटर देते हैं, लेकिन हमने रिक्रूटमेंट कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी यहाँ न लगे। क्या दिल्ली पुलिस को भी अपनी भूमिका रखनी चाहिए। दिल्ली सरकार उनको जगह नहीं देगी तब तक समस्या बड़ी रहेगी, लेकिन अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ मेजर रिक्रूटमेंट है वार्डों में उनको समाप्त करें।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और कोरोना के मामलों में तेजी से हो रहे इजाफे को देखते हुए पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। सीएम केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया। दिल्ली में पटाखे पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। इस पर हमने पूर्व दिल्ली के आवाम से पूछा कि आप इस फैसले को किस प्रकार से देखते हैं, तो लोगों ने इस पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं दी है। क्या कह रही है पूर्व दिल्ली, जरा आप भी सुनिए। त्यौहार मनाया जाता था, एक अच्छा लगता था, मतलब कि बट क्या है उनका भी कहना सही, बस पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है दुनिया में, तो ये भी चीज़ ठीक ही है, इसमें भी कुछ मतलब गलत नहीं है, क्योंकि देखी जाए पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वजह से हमारे त्यौहार भी नहीं मन पा रहे हैं बिल्कुल भी, जो हमारे फेस्टिवल्स थे आज के टाइम में पता ही नहीं चलता कि हम फेस्टिवल मना रहे हैं नहीं मना रहे हैं, फेस्टिवल है भी या नहीं, नहीं इसकी वजह से कोई पॉल्यूशन पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि एक साल में एक बार बम पटाखे फूटते उसमें पूरे साल के लिए पॉल्यूशन नहीं हो जाता। पटाखे हाँ बैन नहीं होने चाहिए पटाखे, क्योंकि एक साल में एक बार एक त्यौहार होता है, और अब हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम त्यौहार है भी या नहीं। ये बहुत बढ़िया फैसला है सरकार का, केजरीवाल जी ने अच्छा करा कि इस बार पहले बता दिया, इन तो पिछले साल ये हुआ था कि उन्होंने एंड टाइम पर बताया था और लोगों को बहुत नुकसान हुआ था, बहुत अच्छा करा, पब्लिक के लिए भी अच्छा है ये और सबके लिए भी अच्छा है। फेस्टिवल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पटाखों से ही मनाया जाए उसको, खुशी का पर्व है ये, तो खुशियों से मनाएं, हर एक चीज़ में और बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं दिवाली पर जो की जा सकती हैं, पटाखों का ही नहीं है। नहीं ये तो हमारी परंपरा रही है, पुरानी परंपरा रही है, और धीरे 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 जो है हमारी परंपरा पर जो है इस तरह की सरकारें वो कर रही हैं, पूरा बैन नहीं होना चाहिए ये, इन द सेंस ऑफ पॉल्यूशन वो तो ठीक है, पॉल्यूशन सब कुछ है, हर चीज़ें तो गाड़ियों से पॉल्यूशन है, हर चीज़ से पॉल्यूशन, सबको बंद नहीं कर रहे हम, तो ये हमारी परंपरा रही है ना, बहुत सालों की परंपरा रही है, दशहरा दीपावली जब हम खुशी मनाते हैं तो पटाखे फोड़ के खुशी मनाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें बंद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली में वैसे भी पॉल्यूशन ज़्यादा है पॉल्यूशन बोर्ड के हिसाब से, तो अभी पॉल्यूशन कंट्रोल लाने के लिए थोड़े टाइम इस पर अगर रोक लगाए, ऐसा नहीं है कि सेलिब्रेट नहीं करना है फेस्टिवल, बट अगर 4-5 साल इस पर रोक लगाए, पोल्यूशन वापस कंट्रोल में रहे और उसके बाद अपन वापस ये स्टार्ट करें फटाके वगैरह क्रैकर्स वगैरह, तो दिल्ली के लिए बहुत अच्छा है, लोगों के लिए किया है ना वैसे भी, 4-5 साल अगर नहीं भी फोड़ेंगे एक बार पूरा पोल्यूशन कंट्रोल में लाएंगे, अभी आप एक दिन फटाके फोड़ते हो उसकी वजह से पोल्यूशन से जितने लोग पोल्यूशन की वजह से बीमारी हो रही है, अस्थमा हो रहा है, मर रहे हैं उनका हिसाब। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।